हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉपुलर गेम की जिसने कि मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल्स गेम्स में धूम मचा दी, कॉल ऑफ ड्यूटी पबजी जैसे गेमों को टक्कर दे डाली। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ फ्री फायर की। अब फ्री फायर कब और कैसे आया ये जानने के लिए हम जाते हैं थोड़ा सा पीछे। 23 मार्च 2017 ब्रैंडन ग्रीन और उनके डेवलपर्स मिलके पबजी गेम का पीसी वर्जन रिलीज कर देते हैं। ये एक सर्वाइवल गेम है जिसमें 100 प्लेयर्स एक आइलैंड में उतरते हैं जहां उन्हें एंड तक बचे रहने के लिए सर्वाइव करना होता है, वेपन्स लूटने होते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको और ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए इसमें सेफ जोन क्रिएट किया गया जो कि थोड़ी थोड़ी देर में श्रिंक होता जाता है, यानी कि छोटा होता जाता है, जो कि प्लेयर्स होते हैं एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, एंड में वो एक जगह आके मिल जाते हैं और जो सेफ जोन के बाहर रह जाता है वो ऐसे ही मर जाता है, और एंड में जो प्लेयर सर्वाइव कर जाता है वो होता है विनर। बेसिकली ये गेम्स इंस्पायर है हंगर गेम्स, डेथ रेस और एक जापानी मूवी बैटल रॉयल्स से। और अगर आपने ये मूवीज देखी हैं तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये गेम्स इन्हीं मूवी के कॉन्सेप्ट पे या थीम पे बनाए गए हैं। और पबजी बहुत पसंद किया जाने लगा और इतना सारा डाउनलोड हुआ जिसकी वजह से सिंगापुर में फॉरेस्ट ली, जो कि गरीना के फाउंडर हैं जिन्होंने गरीना फ्री फायर गेम बनाया, उनको एक आइडिया आता है। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं मोबाइल डिवाइसेस और लो एंड डिवाइसेस के लिए ऐसा ही एक गेम बनाऊं जो कि सब खेल सकें। और इस वजह से 20 नवंबर 2017 को हमें मिला हमारा फ्री फायर। अब ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि पबजी पीसी में पहले आया और फ्री फायर मोबाइल में पहले, ठीक है। अब क्योंकि मोबाइल हर किसी के पास है तो फ्री फायर गूगल प्ले की वजह से इजीली हर किसी को अवेलेबल हो चुका था। तो जो भी इस टाइप के गेम खेलना चाहते थे, या यूं कहिए कि जिनके पास पीसी नहीं है या जो पीसी में गेम खेलना पसंद नहीं करते, उनके लिए फ्री फायर इजीली अवेलेबल था गूगल स्टोर पे। वो कभी भी इसको डाउनलोड करके कहीं पर भी बैठ कर जहां मर्जी खेल सकते थे। और इसी वजह से गूगल प्ले स्टोर ने फ्री फायर को 2019 का बेस्ट पॉपुलर वोट गेम का अवार्ड दिया। अगर आप गूगल प्ले स्टोर को खोल के देखेंगे तो फ्री फायर को 4.1 रेटिंग स्टार मिले हैं, 56 मिलियन रिव्यूज और 500 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं, है ना जबरदस्त बात। और एक टाइम ऐसा आया जब फ्री फायर गूगल प्ले स्टोर का सबसे ज्यादा वोटेड और डाउनलोड किया जाने वाला गेम बन गया। क्योंकि फ्री फायर मोबाइल में इतना सक्सेसफुल रहा जिसे देखकर पबजी के डेवलपर्स ने उसे मोबाइल में भी लॉन्च कर दिया, और अब दोनों ही गेम हमें गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिलते हैं। अब फ्री फायर क्यों इतना ज्यादा पसंद किया जाने लगा और इतना डाउनलोड किया जा रहा है, तो इसके रीजन मैं आपको अभी बता देता हूँ। रीजन नंबर वन, इसका डाउनलोडिंग साइज बहुत कम है, ये इजीली 500 MB में डाउनलोड हो जाएगा। सेकंड नंबर रीजन है स्मूथ गेम प्ले, ये किसी भी लो एंड डिवाइसेस में इजीली अच्छे से बिना लैग हुए चल सकता है। इसके लिए कुछ ज्यादा हाई ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा रैम की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा लंबा गेम खेलना पसंद नहीं करते तो फ्री फायर आपके लिए सही गेम है। ये फास्ट है, ये 10 मिनट सर्वाइवल गेम है। आपको 10 मिनट तक सर्वाइव करना होता है, बचे रहना होता है, और फिर जो जीतता है वो विनर हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप पबजी को ले लो, उसमें आप 45 मिनट तक का सर्वाइवल टाइम है। कई लोग इतनी देर खेलना पसंद नहीं करते तो उनके लिए ये सही है। इसमें 25 कैरेक्टर हैं और शायद ऐड भी हो रहे हैं, ठीक है। और हर कैरेक्टर में आपको अलग अलग एबिलिटीज मिल जाएंगी, थोड़ा मतलब सुपर पावर टाइप भी आपको देखने मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं जाना चाहते, थोड़ा फिक्शन कैरेक्टर आपको पसंद है या पावर या सुपर पावर जैसी, तो थोड़ा बहुत इसमें आपको मिल जाएगा। कैरेक्टर के पास अलग अलग एबिलिटीज़ हैं, अलग अलग पावर्स हैं, कोई तेज़ दौड़ सकता है, कोई खुद को हील कर सकता है, डीजे आलोक, लॉरा, जोसेफ और बहुत, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा, अगर आप खेलते हैं तो आपको पता ही होगा। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि फ्री फायर थोड़ा एनिमेटेड टाइप लगता है। हाँ, ये बात सही है कि फ्री फायर थोड़ा एनिमेशन टाइप का लगता है कंपैरिजन टू पबजी। पबजी आपको एकदम रियल वर्चुअल ग्राफिक्स दिखाएगा, आपको रियल फील कराएगा। हाँ, ये बात सही है। हाँ, लेकिन अगर आपको रियल और ये ग्राफिक्स की इतनी कोई पड़ी नहीं है तो आपके लिए फ्री फायर परफेक्ट है। और अगर आप फ्री फायर खेलते हैं तो आप जब हेड शॉट मारते हैं तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती, मजा आता है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये बातें हो गई फ्री फायर में क्या है क्या नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ फ्री फायर की बैक स्टोरी कि हमें क्यों एक सुनसान आइलैंड में छोड़ दिया जाता है, 50 लोगों को क्यों एक साथ एक आइलैंड में उतारा जाता है, ठीक है। तो होता यूं है दोस्तों कि एक FF नाम का संगठन होता है जो कि सब पे नजर रखता है, या तो जो क्रिमिनल है या कि वो लोग जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं। ये संगठन उन्हें किडनैप करता है, अपनी लैब पे लाता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है,
जेनेटिकली फेरफार किए जाते हैं, उनकी मेमोरी तक इरेज कर दी जाती है, जिसके बाद उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक सुनसान आइलैंड पे पैराशूट और एरोप्लेन की मदद से उतार दिया जाता है, जहाँ पे उन्हें खुद को प्रूव करना होता है, खुद को साबित करना होता है, और जो एंड में जीतता है, जो टीम जीतती है या अकेला बंदा जीतता है, वो उसको मिलता है बुहिया, और उसके बाद उस पर और भी अपग्रेड्स किए जाते हैं उन रिसर्चर्स के थ्रू, उनको और भी अपग्रेड और पावरफुल बनाया जाता है। तो ये है उसके पीछे की स्टोरी। अगली बार से जब आप फ्री फायर खेलें तो आप ये बात ध्यान में रखना कि आप एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, आपको खुद को प्रूव करना है, विन होना है और अपग्रेड होना है, तो इस हिसाब से खेलिएगा, ठीक है? मज़ा आया ना? तो ये था हमारा आज का फ्री फायर का वीडियो, शायद ये लंबा हो गया हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।